बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रोज़ाना वाकयात सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें एक औरत आंसू बहाते हुए अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तहों के पास आई इसका हाल ये था कि कपड़े मैले को चले थे नंगे पाँव थी पेशानी और रुखसारों से खून बह रहा था इस औरत के पीछे तवील अकामत आदमी खड़ा था इस आदमी ने ज़ोरदार आवाज़ में कहा ओ जानिया हज़रतमर रजी अल्लाह तु ने फरमाया मसला क्या है इस आदमी ने कहा ए अमीर उमौमिन इस औरत को संसार करें मैंने इससे शादी की थी इसने छ महीने में ही बच्चा जन्म दिया है हैरतर रजी अल्लाह तह ने उस औरत को संसार करने का हुक्म दे दिया हज़रतली रजी अल्लाह तहु जो हज़रत उमर रजी अल्लाह तहु के बराबर में बैठे थे कहा कि ए अमीरमिन ये औरत जना से बरी है हजरत अली रज़ी ताली ने फरमाया कि अल्लाह तला का इर्शाद है कि जब हम उसे रजाद की मद्दत निकालेंगे जो कि तीस महीनों में से चौबीस महीने हैं लिहाजा छ माह ही बाकी रह जाएंगे लिहाजा एक औरत छः माह में भी बच्चा जन सकती है ये सुनकर हज़रत उमर रजी अल्लाह तहों का चेहरा दमक उठा और फरमाया कि अगर आज अली रजी अल्लाह तला ना होते तो उमर रजी अल्लाह तन हलाक हो जाता एक बादशाह के सामने किसी आलम ने मसला बयान किया कि जानी के अमल का कर्ज उसकी औलाद या अहल खाना में से किसी न किसी को चुकाना पड़ता है उस बादशाह ने सोचा कि मैं इसका तजर्बा करता हूँ उसकी बेटी हुसन जमाल में बेमिसाल थी उसने शहजादी को बुलाकर कहा कि आम सादा कपड़े पहनकर अकेली बाज़ार में जाओ अपने चेहरे को खुला रखो और लोग तुम्हारे साथ जो मामला करें वो हु बहू आकर मुझे बताओ शहजादी ने बाजार का चक्कर लगाया मगर जो गैर महरम शख्स इसकी तरफ देखता शर्म और हया से निगाहें झुका लेता किसी मर्द ने शहजादी के हसन जमाल की तरफ ध्यान ही नहीं दिया सारे शहर का चक्कर लगाकर, जब शहजादी अपने महल में दाखिल हुई राहदारी में किसी मुलाजिम ने महल की खादमा समझ कर रोका गले लगाया बोसा लिया और भाग गया शहजादी ने बादशाह को सारा किस्सा सुनाया और बादशाह रो पड़ा कहने लगा मैंने सारी ज़िंदगी गैर महरम से अपनी निगाह की हिफाजत की है एक मरतबा गलती कर बैठा और ग़ैर महरम लड़की को गले लगाकर उसका बोसा लिया था मेरे साथ भी वही कुछ हुआ जो मैंने अपने हाथों से किया सच है कि जना एक कसास वाला अमल है जिसका बदला अदा होकर ही रहता है हमें इस वाके से इबरत हासिल करना चाहिए ऐसा ना हो कि हमारी कुताही का बदला हमारी औलादें चुकाती फिरें जो शख्स चाहता है कि इसके घर की औरतें पाक दामन बनकर रहें उससे चाहिए कि वह गैर महरम औरतों से बेतमा हो जाए इसी तरह जो औरतें चाहती हैं हमारा खामि नेक कारी की ज़िंदगी गुजारे बेहयाई वाले कामों को छोड़ दे उन्हें चाहिए कि वह गैर मर्द की तरफ नज़र उठाना भी छोड़ दें किसी ने अगर ये कबीरा गुनाह किया है तो तोबा का दरवाज़ा खुला है सच्ची तोबा के ज़रिए अपने रब को मनाएं ताकि दुनिया में कसात से बच जाएं और आखिरत में जिल्लत और रसोई से छुटकारा पाएं। मजद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें